बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में दुनिया भर में होने वाले खेलों के हवाले से बात करते हैं और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि इस वक्त श्रीलंकन की विमेन टीम T20 मैच खेलने के लिए कराची में मौजूद है, जहाँ पर साउथ एंड क्लब पर जो है तीनों T20 मैचेस खेले गए और तीनों मैचेस के अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। आज जो मैच खेला गया उसमें पाकिस्तान ने जो है बाकायदा तौर पर 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की। 108 रन का हदफ श्रीलंकन टीम ने पाकिस्तान को दिया, जो पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। अगर हम बात करें इससे पूरे ओवरऑल अगर खिलाड़ियों के हवाले से, तो तुबा हसन को पहली दफा जो है हमने देखा कि कौमी टीम में मुंतखब किया गया T20 के, और उसके अगर माजी की बात करें तो वो रिजर्व खिलाड़ियों में मौजूद जरूर रहती थी, लेकिन इस दफा T20 सीरीज में भरपूर मौका दिया और उन्होंने अपनी सलाहियतों का बाकायदा तौर पर भरपूर तौर पर मुजाहरा किया। और अपने इस मैच में भी जो तीसरा T20 मैच खेला गया इसमें जो है 5 विकेट लेकर जो है सीरीज जितवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। इसी हवाले से हमारे साथ आज बात करने के लिए हमारे स्पोर्ट्स रूम में मौजूद हैं साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट रियाजुद्दीन साहब, और उनके साथ साथ मौजूद हैं इकबाल मेमन साहब जो डायरेक्टर स्पोर्ट लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस जामशोरों के मौजूद हैं, और उनके साथ साथ सबा जहूर साहिबा मौजूद हैं जो सेल्फ डिफेंस की खिलाड़ी भी हैं और किक बॉक्सिंग की भी खिलाड़ी हैं। आज हम किक बॉक्सिंग पर भी बात करेंगे और डायरेक्टर स्पोर्ट्स जो इकबाल मेमन साहब से भी हम बात करेंगे, खासकर जो जामशोरों में जो स्पोर्ट्स के लिए कितना किरदार अदा कर रही है डिपार्टमेंट, उस हवाले से। और रियाज साहब से सबसे पहले बात करते हैं। रियाज साहब, कैसा देखा आपने तीनों T20 सीरीज को? पहले मैच खेला गया जिसमें हमने बड़े आसानी से कामयाबी हासिल की, दूसरे मैच में भी, फिर तीसरे मैच में भी, तो समझते हैं कि जिस तरह विमेन टीम ने अपनी जो तरबती सेशन काफी गर्मी में जो जारी रहा था, और उसके बाद हमने देखा कि जो है पाकिस्तान ने तीनों T20 मैच में कामयाबी हासिल की, और जो तुबा हसन की हम जिस तरह अपने प्रोग्राम में काफी जिक्र करते थे कि उसे रिजर्व के खिलाड़ियों के तौर पर जो रखा जाता था, टूर कराए जाते थे, लेकिन जब उन्हें मौका दिया गया तो हमने देखा कि उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी टीम को जो है जितवाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें शहजादा मोइन, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी वीमेंस टीम, जब कोई भी टीम अपने मुल्क में खेलती है तो उसको होम ग्राउंड, होम क्राउड और होम कंडीशंस का इजाफी एडवांटेज हासिल होता है, और मैं ये समझता हूँ कि हमारी वीमेंस टीम ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। और आप ये देखें कि हमारी टीम जब अभी वर्ल्ड कप में गई थी तो गो के नंबर ऑफ मैचेस हमारी टीम जो थी हार गई थी, और जिसकी वजह से हम वर्ल्ड कप में फाइनल फोर में जगह नहीं बना सके थे, लेकिन उसके बावजूद हमारी वीमेंस टीम ने जितने भी मैचेस खेले उनको बहुत ही कम मार्जिन से मुख्तलिफ मैचेस में शिकस्त हुई या बहुत ही कम विकटों से शिकस्त हुई। तो इसका मतलब ये है कि हमारी वीमेंस की टीम ने जो माजी में या माजी करीब में जो उसकी परफॉर्मेंस होती थी उसके बरक्स उसने ज़्यादा बेहतर पोजिशन, अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। गो के हमारी जो वीमेंस टीम है उसको वो फैसिलिटीज़ हासिल नहीं है जो दुनिया क्रिकेट की इस वक्त बड़ी टीमों को हासिल हैं, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया को ले लें, इंग्लैंड को ले लें, न्यूजीलैंड को ले लें, इवन इंडिया की जो टीम है वो भी इतने ज़्यादा मैचेस खेलती है पूरे वर्ल्ड में, हालांकि हमारी वीमेंस टीम को इतना उसका एक्सपोजर नहीं था, इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हमारी टीम ने मतलब टेक्निकली अपनी चीज़ों को काफ़ी बेहतर बनाया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये श्रीलंकन सीरीज जो हुई है अभी पाकिस्तान की इसके खिलाफ, तो इसमें तो देखें कोई शक नहीं है कि श्रीलंकन टीम की टीम में बाज़ वो खिलाड़ी शामिल नहीं थी, जैसे मीशा दुल्हानी, उनकी जो एक बड़ी अच्छी खिलाड़ी हैं जो इंजर्ड हो गई थी जिसके सबब वो नहीं खेल सकें। दूसरे उनकी एक फास्ट बॉलर हैं ओशिका पराबुधानी, तो ये एक बहुत ही अच्छी बॉलर हैं, लेकिन वो चूंकि अभी लास्ट टाइम पे जब दुबई में थी तो वहाँ पे उनको कोरोना वायरस का शिकार हो गई थी जिसकी वजह से वो नहीं खेली। तो ये इनकी दो ऐसी मतलब दो प्लेयर्स की आप बात कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमने भी तीन प्लेयर्स को जो है इस सीरीज में मौका दिया, जिसमें गुलफिरोजा एक अच्छे विकेट कीपर बैटर्स के साथ सामने आई, और उसके साथ साथ हमने देखा कि तुबा के हवाले से जिस तरह हम जिक्र भी कर रहे थे उसने तमाम ऑल ओवर मैचेस के अंदर हमने देखा कि बड़ी अच्छी बॉलिंग भी की और अपने जानिब मकरूज करवाया खासकर सिलेक्टर्स को, और उन्होंने अब तक परफॉर्म भी किया। तो जिस तरह तुबा कारकर्दगी दिखा रही है, हम तो देखते हैं कि अब हमने जो अभी देखा कि ट्रायल मुनक्किद किए गए थे और उसमें सबसे ज्यादा अब जिस तरह खवातीन की कमी आ रही थी, लेकिन अब देखा हमने कि जो खवातीन के लिए ट्रायल मुनक्किद किए गए तो उसमें 1128 जो प्लेयर्स थे वो खवातीन के सामने आए, तो समझते हैं ये एक अच्छा साइन अब एक तरफ जा रहा है। देखिए ये तो बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वीमेंस खिलाड़ियों को वो वेट दे रहा है जो कि देना चाहिए था।
मैं बात कर रहा था उसी तसलसल में बात करूंगा जो मैं कर रहा था कि बाद श्रीलंकन खिलाड़ी जो हैं वो जो है मतलब अच्छी जो प्लेयर्स थी वो टीम में शामिल नहीं थी, लेकिन हमारी टीम में भी जो हमारी टीम अभी वर्ल्ड कप में गई थी उसके बाद हमारी टीम की परफॉर्मेंस जो है निस्बतन बेहतर हुई है। अच्छा, इंडिया जो श्रीलंकन टीम की जो कप्तान है चमारी अतापतु, उनकी भी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही है, गो के उनकी टीम ने मतलब उन्होंने अपनी टीम को बेहतर अंदाज में खिलाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि हमारी वीमेंस टीम ने अपने होम ग्राउंड और होम क्राउड का इजाफी एडवांटेज उनको जो मिला था उसको उन्होंने सही तरीके से इस्तेमाल किया। और दूसरी बात यह थी कि शहजादा हमारी जो विकेटें थी वो स्पिनर्स के लिए साजगार थी, तो तूबा जिन्होंने पहले मैच में 3 विकेटें ली, आज के जो मैच था जो कल मैच आज मैच हुआ है हमारा उसमें उन्होंने 5 विकेटें ली, उनको मैन ऑफ दी वीमेन ऑफ दी सीरीज का मतलब उनको अवार्ड दिया, जबकि बिस्मा मारू जो टीम की कप्तान है उनको जो है आज वीमेन ऑफ दी मैच का अवार्ड मिला है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जितनी भी खिलाड़ी थी उन्होंने विकेट को देख के और सामने वाली टीम को देख के उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस जो है मतलब उसका मुजाहरा बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और हमारी टीम मतलब ये सीरीज जो है मतलब उसने वाइट वॉश किया। अच्छा, इससे पहले बहुत कम ऐसा होता था कि हम अगर हमारी टीम कहीं पे मैचेस जीती भी है तो एक आध मैचेस जो है अपोनेंट टीम जीता करती थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब हमारी टीम का कॉम्बिनेशन कम अज कम इस हद तक जरूर बेहतर बनाया कि हम श्रीलंकन या दूसरी टीमों को, लेकिन अभी हमें ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और जो वेस्ट इंडीज की टीम है या न्यूजीलैंड की टीम है उनके लिए अभी हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी। बिल्कुल जद्दोजहद करनी इसमें चाहिए। एक लफ्ज और मैं बढ़ाऊंगा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जैसे तूबा हसन जो इन्होंने डेब्यू किया है तो मैं ये समझता हूँ सिलेक्टर्स ने जो उन पर जिम्मेदारी मतलब उनको दी थी उसको उन्होंने फिलफिल किया। उसके साथ आप ये देखें कि अनम अमीन है, निदा डार है, जो कि आप ये देखें वर्ल्ड होल्डर मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर पाकिस्तान। बिल्कुल, इस पर मजीद भी बात करेंगे। इकबाल मेमन साहब क्या कहेंगे आप, बड़े जबरदस्त जामशोरों से आप यहाँ पर तशरीफ लाए हैं हमारी खुसूसी दावत पर, तो क्या कहेंगे वहां पर इंटीरियर सिंध के अंदर स्पोर्ट्स किस तरह फरोग पा रहा है? मैं समझता हूं कि शहजाद साहब कराची के मुकाबले में तो कम है, लेकिन ये कि लोग इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपनी कोशिशों से उसको जो है स्पोर्ट्स को काफ़ी उजागर कर रहे हैं और स्पोर्ट्स को एक्टिव कर रहे हैं और यूनिवर्सिटीज में स्पोर्ट्स काफी एक्टिव है स्कूल्स और कॉलेजेस के मुकाबले इंटीरियर सिंध के अंदर। इंटीरियर सिंध के अंदर अच्छा, हॉकी के बड़े ऑस्ट्रोट्रॉफ वहां पर लगाए जा रहे हैं तो हॉकी के प्लेयर्स वहां पर निकल कर आ रहे हैं। इकबाल साहब देखें उसमें क्या है कि अब जिस तरह लास्ट ईयर हम रनर अप थे हॉकी के अंदर सखर और इसमें खैरपुर में जो है अपना हॉकी का स्टेडियम वहां पर कराई गई थी, तो हमारे पास फुटबॉल के और क्रिकेट के खिलाड़ी थे उनको ही हमने कलेक्टिवली एक आध कोई हॉकी पहले खेल यानी कि दोनों टीमों को जेल कर कर आपने जेल करके हमने टीम तैयार की, एक कैंप लगाया और हमारे मुनव्वर भुट्टो साहब जो कोच हैं उन्होंने तैयारी की, तो उससे जो है हमारी टीम इतनी अच्छी बन गई कि 5 टीमों में हम फाइनल में आए और जो है उसमें जो है हम रनर अप रहे। लेकिन आप देखते हैं कि यूनिवर्सिटी सतह पर जो है प्लेयर्स जो है अब निकल कर सामने आ रहे हैं हॉकी के। देखें हॉकी के प्लेयर्स बहुत कम है। जिस तरह पाकिस्तान में हॉकी और स्क्वाश नीचे चली गई इसी तरह जो है यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत कम है। पंजाब की साइड पे इसको काफ़ी फ़र्क दिया जाता है। क्या है कि आप के इस चैनल के उससे जो है मैं ये कहूँगा कि हमारे पेरेंट्स जो है ना उनका बहुत अमल दखल है। पंजाब में पेरेंट्स जो है वो साथ जाते हैं बच्चों के साथ, स्कूल हो कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो। दूसरी बात यह है कि पीपल एट द हेम ऑफ द अफेयर्स जो अपने इंस्टीट्यूट्स को चला रहे हैं उनको भी अच्छा मोटिवेशन की ज़रूरत है ताकि स्पोर्ट्स को जो है ना वो एक खुले माहौल दें ताकि डायरेक्टर्स जो है ना वो अपने तहत उसको स्पोर्ट्स को फरोग करें। हम कोशिश जरूर करते हैं लेकिन अगेन एंड ऑफ द डे हमें इजाजत लेनी पड़ती है। अच्छा, हॉकी के हवाले से अगर बात हो रही है तो हम देखते हैं कि कराची में कुछ बेहतरी हॉकी के लिए आई है तो समझते हैं यहाँ तो प्लेयर्स निकल रहे हैं। अगर हम फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल के प्लेयर्स भी अब इंटीरियर सिंध से निकल रहे हैं। हमने देखा कि सिंध फुटबॉल कप मनक़द हुआ वो भी इंटीरियर सिंध की टीम जीत कर गई, तो इंटीरियर के अंदर तो अब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स फरोग पा रहा है। इसको इसमें आप देखते हैं कि स्कूल यूनिवर्सिटी और कॉलेज की सतह पर अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि आप स्पोर्ट डायरेक्टर हैं आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि एजुकेशन के अंदर जो है क्या मामलात स्पोर्ट्स के चलते हैं। काम हो रहा है लेकिन ये कि माजरत के साथ फॉर्मेलिटी के हिसाब से उसको इफेक्टिव नहीं बनाया जा रहा। पोटेंशियल बहुत है,
अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक टेनिस के इनिशिएटिव की बात करता हूं जो पंजाब में इस वक्त चल रहा है। अंडर 12 में इंटीरियर पंजाब में ज्यादा बच्चे निकले हैं कंपेयर टू अपना लाहौर या रावलपिंडी। क्या है कि इंटीरियर पंजाब का हो या सिंध का हो या केपी का हो या बलूचिस्तान का हो, वहां पे बड़ा पोटेंशियल है ना। एग्जैक्टली, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको सपोर्ट की जरूरत है। कुछ लोग इंडिविजुअल जो है वो उनको बच्चों को तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये क्या, जिस तरह अभी हमने बीच टेनिस में बिल्कुल एक जो है बैकवर्ड एरिया की जो बच्चियां पढ़ती हैं एक गवर्नमेंट स्कूल में, उनको जो है हमने मोटिवेट करके लेके आए और उनको इन्वॉल्व किया। तो इस तरह अगर लोग बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे और एक पूरे कैंप्स लगाएंगे तो उनमें से बच्चे जरूर बच्चे निकलेंगे। सभा साहब, आप क्या कहेंगे, आप सेल्फ डिफेंस से सिखाती भी हैं खुद है और किक बॉक्सिंग की खिलाड़ी भी हैं, तो कैसा देखती हैं, क्योंकि अब जिस किस्म का हमारा माशरा हो गया खवातीन के लिए, उसमें सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता दिखाई भी दे रहा है और खवातीन इस तरह बहुत ज़्यादा रागिब भी होती हुई दिखाई दे रही है इस चीज़ को सीखने के लिए। जी सर, जैसा कि देखिए हमारी सोसाइटी का जो अलमिया है उसके लिए सेल्फ डिफेंस हर एक फीमेल के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमारे पास स्टेज कम है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है। जैसे अभी बात हो रही थी इंटीरियर सिंध की, तो हमारे पास इंटीरियर सिंध में चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो सक्कर हो, चाहे वो खैरपुर हो, हमारे पास ग्राउंड्स कम है, हमारे पास कोचेस कम है, जिसकी वजह से हम आगे नहीं आ पाते। हमारे पास टैलेंट तो बहुत होता है, पोटेंशियल बहुत होता है, लेकिन वो चीज़ें हमारे पास कम होती है जिसकी वजह से हम अपने आप को फ्रंट सीट पर ला सकें। तो उसके लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया, मैंने सर के साथ मिलके, सर ने और हमारे सरफिदा साहब हैं वो कोटरी में आते हैं, उनसे मैंने किक बॉक्सिंग सीखी, फिर उन्होंने मुझे ट्रेन किया कि आप दूसरी बच्चियों को ट्रेन करें ताकि वो एक हमारे जो एक टीम बन जाए। अच्छा, आप जो सिखाती हो एकेडमी में सिखाती हो या किसी और जगह किसी ग्राउंड पर? सर बेसिकली अभी मैंने लम्स में स्टार्ट किया हुआ है और उसके अलावा मैं एज अ वॉलंटियरली जो है ना वहाँ पे बेनजीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है हैदराबाद में, वहाँ पे सिखा रही हूँ मैं बच्ची। अच्छा, कितने खवातीन आपके पास अभी इस वक्त आ रही हैं? मेरे पास अभी 15 से 20 स्टूडेंट्स आ रही हैं, वो स्कूल्स के हैं, डिफरेंट स्कूल्स के हैं, जिनको मोटिवेट करके निकालना पड़ रहा है क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं कर रहे कि नहीं भाई नहीं जाओ लग जाएगी ये वो, फिर उनको मोटिवेट करना पड़ता है कि स्पोर्ट्स आपके बच्चों को कॉन्फिडेंस देता है, हेल्थी रखता है, सेल्फ डिफेंस सिखाता है, कोई नुकसान नहीं पहुँचाता और वही स्पोर्ट्स आपका करियर भी बनाता है, ना कि सिर्फ आपको खेलना सिखाता है, आगे चलकर आपको यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको मेरिट पर सीट दिलाता है। तो ये स्पोर्ट्स खेलना सिर्फ खेल नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ों को जो है ना फेस करना सिखाता है। रियाज साहब, जिस तरह सभा साहब कह रही हैं, जिस तरह इकबाल साहब कह रहे हैं कि यकीनन स्पोर्ट्स को फ़र्क देने के लिए जो है पीछे से बैकग्राउंड हमें मजबूत करना होगा, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा बहुत कम होता दिखाई दे रहा है। जिस तरह अभी सभा कह रही थी कि बहुत ज़्यादा उनको मुश्किलात भी पेश आती है कि वालदैन को बताना पड़ता है, ये इंटीरियर सिंध की बात हो रही है। अगर कराची में हम करें तो इस वक्त अगर सेल्फ डिफेंस की बात करें कराची के अंदर, तो बहुत से इदारे इस वक्त सेल्फ डिफेंस जो है कराची के अंदर सिखा रहे हैं, खवातीन भी सिखा रही हैं, मर्द आज़ाद भी सिखा रहे हैं, लेकिन रुझान जो हम देखते हैं बहुत ज़्यादा अब आ गया है सेल्फ डिफेंस का। देखें शहजादा, बात यह कि हमारी सोसाइटी जो है ना वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, और मतलब जो खवातीन, मैं ये समझता हूँ कि जो एनवायरनमेंट है हमारे मतलब माशरे का, उसमें अगर वो निकल के आ रही हैं तो मैं ये समझता हूँ कि वो जिहाद कर रही हैं। इसलिए कि हेल्थी एक्टिविटीज़ को खवातीन के हवाले से फ़रोग देने के लिए हमारे यहाँ जो इम्कानात और चांसेस और जो सहूलतें हैं वो बहुत कम हैं। आप ये देखें कि न सिर्फ मतलब आप देखें ना, जब हमारे शहर में वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो हम चाहते हैं कि ख्वातीन के लिए होनी चाहिए, तो जो हमारे इंटीरियर हैं चाहे वो किसी भी उसका सूबे से ताल्लुक़ है, तो हमारी ख्वातीन यकीनन उनको वो मौाक़े नहीं हैं जो एक स्पोर्ट्स फ्रेंडली मौाक़े होने चाहिए जो दुनिया भर में होते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर इंटीरियर से हमारी ख्वातीन आ रही हैं तो मैं ये समझता हूँ कि उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और ये फैसिलिटीज़ देखें स्टेट की जिम्मेदारी होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मौजूदा जो सिंध गवर्नमेंट है, तो स्पोर्ट्स के हवाले से मैं ज़रूर बात करूंगा कि उन्होंने कमोबेश कोशिश की है कि मतलब वो फैसिलिटीज़ जो वो पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी हॉकी के लिए काफ़ी शैला रजा साहिबा ने काम किया, और जितने भी देखें
स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जितने भी आप देखें सेक्रेटरीज वगैरह आए हैं उन्होंने बाकायदा काम किया है, और आप ये देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में मतलब बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रही है सिंध गवर्नमेंट भी इंटरेल के अंदर। इस पर एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी ग्राउंड्स के हवाले से, तो अब यहीं से कंटिन्यू करते हैं रियाज साहब से। रियाज साहब क्या कहेंगे जिस तरह जिक्र कर रहे थे आप ग्राउंड्स के हवाले से? देखें शहजादा, हमने मतलब दुनिया भर में देखा है, यूरोप में भी देखा है, हर जगह जिस तरह से बात अभी हम लोग अक्सर करते रहते हैं कि टाउन की सतह पर कम अज़ कम ये जो है फैसिलिटी होनी चाहिए, और ख़ास तौर से मैं ये कहता हूँ कि ख़वातीन के लिए हमें इनडोर स्टेडियम बनाने चाहिए, इंडोर ग्राउंड, कि अगर हम हॉकी या फुटबॉल की फैसिलिटी वहाँ नहीं मुहैया कर सकते खवातीन को, तो कम अज़ कम जो इंडोर मतलब आप स्टेडियम बना सकते हैं जैसे बैडमिंटन के लिए, टेनिस के लिए, और इंडोर मतलब जो भी खवातीन हमारी जूडू है, कराटे है, या जो भी कर सकती हैं, तो उसमें कम अज़ कम ये फैसिलिटीज़ फ्राहम करनी चाहिए। एक बात मैं यहाँ और ज़रूर कहूँगा कि जो अभी इकबाल साहब ने भी कही कि देखें हमारे यहाँ मतलब ये कि बहुत सारी चीज़ें तो बनी हैं, हुकूमत उस पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, वो चीज़ें बनाती है, और ये भी है कि मतलब हमारी खवातीन थोड़ा सा दूर जाके उन सहूलतों से फ़ायदा उठा सकती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि हम करोड़ों रुपए की वो चीज़ें तो बना देते हैं लेकिन उसको मेंटेन नहीं करते, और एक चीज़ बन जाती है बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा सब कुछ होता है, एक दो महीने, चार महीने, छः महीने उसमें प्रैक्टिस होती है, लोग भी होते हैं, उसको मैनेज करते हैं, लेकिन फिर हम धीरे धीरे देखते हैं कि वहां पे उल्लू बोलने लगते हैं और वहां पे कुछ भी नहीं होता, ना मैनेजमेंट होती है, ना कोई देखने वाला होता है, और फिर बाद में जब ये सब नहीं होता तो वहां पे खिलाड़ी भी नहीं निकलते। क्या कहेंगे इकबाल साहब, जिस तरह रियाज साहब कह रहे थे कि सिंध गवर्नमेंट अपना किरदार तो अदा करती है, लेकिन क्या किरदार आप देखते हैं कि जामशोरों में भी हुआ, ग्राउंड्स पे तवज्जो दी गई है, ग्राउंड्स बनाए गए हैं, क्या कहेंगे आप उस हवाले से? ओवरऑल जिस तरह रियाज साहब ने कहा ना कि देखें मैनेजमेंट में जो चीजें होती हैं वो ये होता है कि आप प्लान करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं और कंट्रोल करते हैं, अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे, रेगुलेट नहीं करेंगे, तो वो चीजें खत्म हो जाएंगी। अब यही है कि मैं आपको बताऊं कि हमारे मरहूम डॉक्टर मोहम्मद अली शाह का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हैदराबाद के हवाले से भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत पूरे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से उनका बड़ा है। काफी लोगों को शायद ना पता हो कि हैदराबाद क्लब जो है वो उन्होंने बनाया, हमारे पास एक हमें एक ग्राउंड देके गए, उनकी वफात के बाद किसी ने परसू नहीं किया, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें जब बन के मिले, कुछ सिंध यूनिवर्सिटी का और कुछ लम्स का जो है आपस में कुछ उस पर इख्तलाफ था, लेकिन ये सिंध गवर्नमेंट का काम है कि वो चाहेगी तो वो डेवलप होगा और उससे बच्चे खेलेंगे, और हमें कोई एतराज़ नहीं है कि अगर लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, सिंध यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, या कहीं के भी हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बीच टेनिस में हमने जो है गर्ल्स को लेके आए, और वो कहाँ की, एक स्कूल की, एक बैकवर्ड स्कूल की, तो हमारा हम ये चाहते हैं कि स्पोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो। पाकिस्तान लेवल पे हमने स्क्वाश जो है वो ऑल पाकिस्तान स्क्वाश चैम्पियनशिप यूनिवर्सिटीज़ की वो इस्लामाबाद में हुई थी, वो हमने वहाँ जाके ऑर्गेनाइज कराई। तो उसकी क्या वजह क्या थी कि यह सहूलतें आपके पास जो है जामशोरों में नहीं थी जो आप इस्लामाबाद गए? सर वो क्या है कि वो हमारे पास स्क्वाश कोर्ट एक है तो सही, लेकिन हम उसको स्टैंडर्ड का स्क्वाश कोर्ट नहीं गए, वही बात आ गई ना कि तवज्जो नहीं दी जाए। एग्जैक्टली और क्या है कि वो तो कामयाब जवान प्रोग्राम वहां पे था, लेकिन हम हैक के हवाले से यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम कराते हैं, जिस तरह बास्केटबॉल हमने लास्ट ईयर कराया था, उससे पहले हम टेबल टेनिस करा चुके हैं, तो हमारे पास एक जिमनेजियम तो है जिसमें जिमनास्टिक हो सकती है, लेकिन उसका रूफ टॉप इतना बड़ा नहीं है कि हम उस पर स्टैंडर्ड की बैडमिंटन करा सकें। तो ये फैसिलिटीज जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन और सिंध गवर्नमेंट का काम है कि वो कराए, और देखें स्टेक होल्डर्स को आपने ऊपर लेना है, जब आप कोई भी पॉलिसी डेवलप करते हैं तो जिसमें आप हैं शहजादा साहब, रियाज साहब हैं, सभा हैं, हम हैं स्टेक होल्डर्स, यू हैव टू आस्क अस कि भाई आपको क्या चाहिए, ग्राउंड रियलिटी क्या है,
वो हम बता सकते हैं, वो नहीं बना, वो क्या करते हैं ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिसीज बना लेते हैं या बजट सैंक्शन कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता कि जा कहाँ रहा है। लेकिन समझते हैं कि जो स्पोर्ट्स की चीज होती है, स्पोर्ट्स से रिलेटिव लोगों को जो है दी जाए तो वो शायद बेहतर काम करते हैं। एग्जैक्टली, और उसमें कंट्रोलिंग फैक्टर जरूर रखना है आपने, क्योंकि देखिए हमारे स्पोर्ट्स के भी कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो रेगुलेट आपने करना है, आपने उसके ऊपर। अब वो चाहते हैं कि उसको फॉर्मेलिटी कर दें, एक पॉलिसी छोटी सी बना ली, बजट दे दिया, लोगों को बता दिया देखो हमने तो ये कराया था, लेकिन उसकी इफेक्टिविटी क्या है। देखें एस्ट्रोटर्फ की आपने बात की, एस्ट्रोटर्फ की मेंटेनेंस चाहिए, लोग वहाँ पे किस तरह चल रहे होते हैं, वो पूरा जो है डैमेज हो रहा होता है, तो ये सारी चीज़ें कौन देखेगा। आपको पूरा जो है मेंटेनेंस कमेटी जब बनानी पड़ेगी, उनको लोगों को जो है वो बाख्तियार करना पड़ेगा, उसके बाद ही एक चीज। सर, जिस तरह अरसा दराज से अरबाब नियाज स्टेडियम का हाल है, तो अब तक तो वहां पर कई मैचेस इंटरनेशनल दोबारा हो जाना चाहिए अगर उस पर तवज्जो पीसीबी भी देती तो। सर नियाज स्टेडियम देखें, इंटरनेशनल वेन्यू है और उसका ग्राउंड अभी भी बेहतरीन है, सिर्फ आपने जो है उसको पेवेलियन वगैरह ठीक करना है, और कराची से बहुत करीब है, वहां पर टेस्ट सीरीज हो चुकी है, टेस्ट सीरीज हो चुकी है, इंग्लैंड की टीम आ चुकी है और एक वर्ल्ड कप का मैच हो चुका है, तो क्यों नहीं हो सकता। मगर ये कि तवज्जो देने की तवज्जो की बात है, बिल्कुल तवज्जो। सभा क्या कहेंगे, तवज्जो की बात हो रही है, तो जिस तरह आप किक बॉक्सिंग तो प्लेयर्स ही हैं, जो खवातीन की हम देखते हैं कि सेल्फ डिफेंस पे आपके पास कितनी बच्चियां आई हैं। सर अभी तक मेरे पास 15-20 बच्चियां आई हैं, लेकिन अभी जो बात हो रही थी कि मेंटेनेंस वगैरह की, तो वो यही बात है कि जो कोचेस भी आ रहे हैं, जैसे अब हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के जो फिजिकल ट्रेनर हैं हमारे पास, उनको यही नहीं पता कि ग्राउंड कैसे बनाना है, उसको मेंटेन कैसे करना है, किस तरीके से करना है, तो उनको भी सिर्फ थ्योरी नहीं है हमारे पास। प्रैक्टिकल जब आप स्पोर्ट्स में आते हो तो आपको वो चीज़ें प्रैक्टिकल में आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हम जब स्पोर्ट्स करवा रहे हैं तो वो उसको प्रैक्टिकली किस तरीके से करवा सकते हैं। अभी मतलब रिसेंटली एक स्कूल था, मैं उसका नाम नहीं लूँगी क्योंकि मैं स्कूल से पढ़ चुकी हूँ, गवर्नमेंट का स्कूल है, तो वहाँ पे फिजिकल ट्रेनर होने के बावजूद भी बच्चियों को कुछ सिखा नहीं रहे थे। फिर जब उनका कोई हुआ होने वाला था कि गवर्नमेंट ने उनको कहा कि भाई आपको स्पोर्ट्स करवाना है, पर ईयर उनका कोई ना कोई स्पोर्ट्स का इवेंट होता है। अच्छा, ये भी बड़ा फुकदान है, हम तो कराची में देखते हैं कि मुख्तलिफ स्कूल्स में जो है सिर्फ स्पोर्ट्स डे जो है साल में एक दफा मुनक्किद किए जाते हैं, ये मामला इंटीरियर के अंदर भी हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि आपका स्पोर्ट्स एक दिन का नहीं होता, अगर आपको स्पोर्ट्स करना है तो आपको सुबह में भी टाइम देना है, शाम में भी टाइम देना है, जब जाके आप प्लेयर बनते हो। आप ऐसा नहीं है कि दो दिन पहले आपने प्रैक्टिस की, तीसरे दिन आप आके खेल रहे हो, वो स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं होता, वो खाना पूरी होती है जो आप कर रहे होते हो इदारों के अंदर। हमें वो नहीं करनी, हमें प्लेयर निकालने हैं तो उस पर काम करना होगा, चाहे वो फिर वो ट्रेनर्स हों चाहे फिर वो प्लेयर्स हों, उनको प्रॉपर अपनी टाइमिंग मैनेजमेंट भी करनी होगी, उनको अपने साथ साथ अपने जो भी स्पोर्ट्स मटेरियल होता है, जैसे फॉर सपोज बैडमिंटन है तो उसका रैकेट उस बच्चे को खुद को करना होगा, ठीक है ना। हर चीज़ अगर आपको गवर्नमेंट नहीं दे रही तो कुछ ना कुछ आपको करके थोड़ा बहुत खुद का लेना होगा, क्योंकि आप इस तरीके से नहीं चल सकता फिर। अच्छा, थोड़ी सी हम बात करें इंटीरियर के हवाले से प्लेयर्स की, क्यों आप प्लेयर्स बहुत ज्यादा क्रिकेटर्स भी निकल कर आ रहे हैं, जिस तरह शाहनवाज दानी निकल कर आए, जाहिद निकल कर आया, तो समझती हो कि अब इंटीरियर से भी अच्छे प्लेयर्स निकल रहे हैं, बाकायदा तौर पर ग्राउंड नहीं है लेकिन प्लेयर्स अच्छे निकल रहे हैं। सर वही बात, वहाँ पे पोटेंशियल भी है, वहाँ पे टैलेंट भी है, जो बच्चा खुद पे मेहनत कर रहा है, जो टाइम दे रहा है, वो बिल्कुल अच्छा निकल रहा है। हमारे अभी आपने हॉकी की भी बात की, तो मीरपुर खास से मेरी एक फ्रेंड है, मीरपुर खास भी एक इंटीरियर में ही आता है, लेकिन वहाँ से जमजम है, उन्होंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी एक खेला हुआ है हॉकी का, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने नेशनल दो मरतबा जीता हुआ भी है, तो लड़कियाँ भी निकल रही हैं इसमें। तो वही बात है कि आप अगर उस पर काम करते हो, आप खुद को मेंटेन करते हो, टाइम देते हो किसी चीज़ को, तो वो अच्छा प्लेयर निकल के आ रहा है, फिर चाहे आपके पास ग्राउंड हो ना हो, प्लेयर जरूर अच्छे निकल कर आ रहे हैं। थोड़ी सी बात जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे, एक चीज और ऐड करती जाऊं, वही बात कि आपको तवज्जो की जरूरत है, वहाँ पे प्लेयर तो मौजूद है, अगर आप उन पे तवज्जो नहीं देंगे तो फिर वो कितना भी खुद को मोटिवेट करके आगे लाए, लेकिन अगर उसको रास्ता दिखाने वाला कोई आगे वाला नहीं होगा तो फिर वो टैलेंट वहीं दब जाएगा।
बिल्कुल, तो उस पे हमें काम करने की जरूरत है, बिल्कुल काम करने की जरूरत है। इकबाल साहब, है जिस तरह अभी हमने बात की कि स्कूल्स की सतह पर हम देखते हैं कि सिर्फ एक स्पोर्ट डे मनाया जाता है, डायरेक्टर स्पोर्ट्स से हैं आप एक यूनिवर्सिटी के, तो आप एक किस तरह अपने यूनिवर्सिटी के अंदर टूर्नामेंट्स मुनक्किद कराते हैं तमाम गेम्स के, लेकिन अगर जिस तरह स्कूल की बात कर रही हैं कि इंटीरियर के अंदर जो स्कूल है वहाँ पर भी हम देखते हैं कि सिर्फ साल में एक दफ़ा स्पोर्ट डे मनाया जाता, तो ये खेलों के साथ तो स्कूल वाले ज़्यादती करते दिखाई दे रहे हैं। बड़ा जुल्म होता है, क्योंकि देखें अब मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि इसमें सर भी बैठे हुए हैं, तो हमने इस बीच टेनिस में 3 स्कूल्स को कहा था, जो जिसमें बिकेना सिटी स्कूल है और आपका पाक तुर्क है, उनको भी कहा था कि आप बच्चे लेके आए, हमें पता है कि वहां पे तो कुछ नहीं हो रहा, तो हमारे पास ही आगे कुछ कर लेना, वो नहीं आए। चलें एक बात तो हो सकती है कि उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिला जो उनको लाहौर से लेना पड़ता। क्या है कि हमारे पास टैलेंट बहुत है, मैं आपको इस चैनल के हवाले से ये बताता चलूं कि पाकिस्तान की पहली स्कॉश चैम्पियन हैदराबाद की हैं ज़ेबा शेख, वो इस वक्त भी खेलती रहती हैं, मेरे साथ भी वो खेली हैं। तो आप स्कॉश की बात कर रही हैं और जिस तरह आप जिक्र अभी थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे कि कोर्ट ऐसा हमारे पास नहीं है स्कॉश का, फिर भी जो है हम वहाँ पर है, जिस तरह ज़ेबा की बात कर रहे हैं आप, तो किस तरह आप मैनेज करते हैं फिर? वो क्या है कि हम इसमें थोड़ा बहुत प्रिविलेज है कि हमें जिमखाना की मेंबरशिप है, तो मैंने भी वहीं पे खेला था, स्नूकर खेली, ब्लेड्स खेली और स्कॉश खेली। ज़ेबा जो है वो भी वहीं से उन्होंने स्कॉश खेली और वो पाकिस्तान की पहली चैंपियन बनी। तो क्या है कि टैलेंट तो है, जिस तरह सभा ने कहा या रियाज साहब ने कहा कि टैलेंट तो है, लेकिन अब उस टैलेंट को उस जो है कोयले में से जो है डायमंड्स कैसे निकालेंगे हम, वो हमें उनको मौका देंगे। तो जिस तरह अपना जो है रियाज साहब ने ये जिक्र किया कि हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए लेकिन मेंटेनेंस चाहिए। मेंटेनेंस नहीं होगा, आप कंट्रोल नहीं करेंगे, रेगुलेट नहीं करेंगे, एक लॉग बुक नहीं होगी कि जा कितनी ट्रेनिंग मिली, कितना उन्होंने प्रैक्टिस की, तो वो आगे आएंगे नहीं। ये सिर्फ थोड़ी बहुत जो हो रही है हमारे पास वो क्रिकेट में हो रही है और वो भी मेल क्रिकेट में हो रही है। अच्छा, जिस तरह इकबाल साहब हम देखते हैं कि स्पॉन्सरशिप भी जो है इस खेलों के लिए नहीं आते सामने, सिवाय क्रिकेट के अगर देख लें तो क्रिकेट में तो मौजूद रहते हैं लेकिन दीगर खेलों पर उनका कोई किरदार नजर नहीं आता। देखिए हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो भी वहाँ पे वो प्रॉफिट्स देखते हैं और उनकी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा होती है। टेनिस में किसी कदर जो है कुछ हजरात हैं जो वो कर रहे हैं स्पॉन्सर, जिसमें अब डॉक्टर फारहान ईसा लेबॉरटीज के हवाले से और दूसरे कुछ लोग हैं जो टेनिस पे काम कर रहे हैं, मगर ये है कि अगेन टेनिस हमारे पास इतनी ज़्यादा मकबूल नहीं है। स्कॉश में हमने 40 साल तक दुनिया पे हुकूमत की, बिल्कुल हुकूमरानी की, लेकिन आज हमारा हाल देखें, हमारे लिए, और आप यकीन नहीं करेंगे सर कि मेरे पास पश्तून बच्चे बहुत ज्यादा हैं और मैं उनको ये कहता रहता हूँ कि यार ये तो गेम ही आप लोगों की है, लेकिन दे शो रिलक्टेंस, आई डोंट नो व्हाई। क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, मैंने उनको ड्रैग किया, और तो ये है कि आई डोंट नो, ये स्कूल तो सतह पे जो है वो हमें उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। अगेन जो आपने बात कही स्पॉन्सरशिप की, जब तक स्पॉन्सर्स ऊपर नहीं आएंगे और टैलेंट हंट को वो ओन नहीं करेंगे, तो ये लोग क्या करते हैं, एक लेवल पे पहुंच जाते हैं और उनको एज अ कोच जो है वो अमेरिका या कनाडा या यूके में जॉब मिल जाती है और वो यहाँ से चले जाते हैं, वो फिर उनको चैंपियन बनने का शौक नहीं रहता। टैलेंट की आप बात कर रहे थे तो थोड़ी सी बात रियाज साहब से कर लें। रियाज साहब, अभी केडीए की हॉकी टीम बनी है और हमने अभी हमारे पास जो लेटर आया है उसके मुताबिक जो प्लेयर 16 मुंतखब किए गए हैं उसमें से एक तो सबसे अहम चीज़ के टैलेंट का जिसे जिक्र हो रहा था, कोई ओपन ट्रायल नहीं हुए हॉकी के, और हमने देखा कि 16 रुकनी टीम भी बन गई केडीए की, जिसमें से 10 लड़के जो हैं वो यूथ हॉकी क्लब के शामिल किए गए, तो समझते हैं कि जो करते धरते हैं अगर वो सिफारिश की बुनियाद पर खिलाड़ियों को इसी तरह शामिल करते रहेंगे डिपार्टमेंट में, तो फिर तो हॉकी तो हमारी पहले ही नीचे और मजीद नीचे चली जाएगी। शहजादा, एज ए न्यूट्रल पर्सन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो बुनियादी तौर पर आई एम विद यू इन दिस सेंस के जब भी कहीं कोई टीम बनती है तो उसके ट्रायल्स जो हैं वो ज़रूर होने चाहिए,
ताकि तमाम खिलाड़ियों को उसमें शिरकत का मौका मिले और किसी को ये गिला ना रहे कि वो उसने पार्टिसिपेट किया या अगर उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी तो उसको टीम में नहीं लिया गया। लेकिन बुनियादी तौर पे जिस तरह से ये केडीए की टीम बनी है तो मैं ये समझता हूँ जो इस वक्त हॉकी के हालात हैं और जिस तरह हमारी हॉकी जो है इतने बैड पैच से गुजर रही है, जिस तरह से आपने देखा कि एशिया कप में हम बदकिस्मती से, मतलब हमारी टीम की परफॉर्मेंस एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी, मतलब उसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारे ऑफिशियल्स की कम इल्मी की वजह से हमारे मतलब गोल करने के बाद हमारे 12 प्लेयर जो थे ग्राउंड के अंदर थे जिसको टेक्निकल ऑफिशियल ने इंडिकेट किया और अंपायर ने उस गोल को डिसअलाउ कर दिया। ये तारीख में मैं समझता हूँ कि हॉकी की तारीख में ये शायद दूसरा मौका था, तीसरा जो हमारे मतलब ब्लेंडर हुआ है बहुत बड़ा, और हमारी टीम इस वक्त उस मकाम पे थी कि हम न सिर्फ सेमीफाइनल पहुंचते बल्कि हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई कर जाते। ऐसे वाकयात नहीं होते तो यकीनन है जो है हम देखते कि हमारी जो पोजीशन चल रही थी इस वक्त टूर्नामेंट के अंदर एशिया कप में वो ऊपर की जानी जाती, लेकिन इस ब्लेंडर के बाद हम पहले तो वर्ल्ड कप क्वालिफाई राउंड से बाहर हुए, उसके बाद हमने जो एशिया कप का सेमीफाइनल खेलना था उससे भी बाहर हो गए। अब हम यकुम जून को जो है पांचवी पोजीशन के लिए मैच खेलेंगे, गो के आज हमने ओमान के खिलाफ जो 2-5 गोलों से कामयाबी हासिल की है। तो इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी केडीए हॉकी टीम के हवाले से, अब थोड़ा सा जो है हमें एक पैकेज की तरफ जाते हैं जो हमने देखा कि नेशनल कोचिंग सेंटर पर एमएमए सिंध एमएमए जो है रेफरी एंड जजेस के हवाले से सेमिनार मुनक्किद हुआ। पहले हम आपको पैकेज दिखाते हैं फिर केडीए के हवाले से जो टीम बनी हॉकी की उस पर भी गुफ्तगू मजीद जारी करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल कोचिंग सेंटर पर और यहाँ पर सिंध एमएमए रेफरी एंड जज सेमिनार मुनक्किद किया जा रहा है, जहां पर 80 से ज़ायद ख़वातीन और बॉयज़ जो है इस सेमिनार में शिरकत कर रहे हैं, जहां उन्हें बाकायदा तौर पर एमएमए के हवाले से तरीक़ेकार बताए जा रहे हैं और रेफरी के हवाले से यहां पर जो चीज़ें हैं उन्हें खिलाड़ियों को जो है कोर्स कराया जा रहा है। हम यहाँ पर मुंतज़मीन से भी बात करेंगे और उसके साथ साथ खिलाड़ियों से भी आपकी इस सेमिनार के हवाले से बात कराएँगे। तो आइए हम मुंतज़मीन के पास भी चलते हैं, खिलाड़ियों के पास भी, और उनसे बात करते हैं एमएमए के हवाले से जो बाकायदा तौर पर जो यहाँ पर सेमिनार मुनक्किद हो रहा है। जी, ये बेसिकली सेमिनार जो है ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है सिंध मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन ने फॉर इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस ऑफ द एमएमए और टेक्निकल स्टाफ को और टेक्निकल जो लोग हैं यहाँ पर एमएमए के हवाले से, क्योंकि एमएमए जिस तरह प्रमोट हो रहा था वहाँ टेक्निकल लोगों की बहुत कमी है, तो इसको अकॉर्डिंगली जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके लिए ये सेमिनार मुनक्किद किया गया। बहुत कम रेफरीज़ हैं एमएचआर एमएमए के, प्रोफेशनल का तो नॉर्मल रेफरीज होते हैं, नॉर्मल इसकी स्कोरिंग होती है, लेकिन इसकी स्कोरिंग थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ा सेफ़ है ये और बिल्कुल अलग चीज़ है इस वक्त पाकिस्तान में, और कि इस वक्त कोई हरा नहीं रहा सही से। ये एक पाकिस्तान लेवल पे तो होता है पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन, लेकिन ये अब सिंध के लेवल पर हो रहा है तो अच्छी बात है। हाँ, सिंध में जितने भी लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में, जो इस गेम को जानना चाहते हैं सिंध से स्पेसिफिकली, तो वो आए यहाँ पर और इस कोर्स से उनको बहुत बेनिफिट होगा, स्पेशली जितने आज लोग आए यहाँ पर, और वो आगे इसको एज ए कॉम्पिटिशन भी खेल सकते हैं। जैसे सिंध मिक्स मार्शल आर्ट्स ने एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज़ किया रूल्स एंड रेगुलेशन और जजेस सेमिनार ताकि लोगों को इसके बारे में और ज़्यादा पता चले और इसमें क्या रूल्स हैं, रूल्स क्या अपडेट होते हैं, इसमें रेफरी के क्या फ़राइज़ हैं, और ये सारी चीज़ें जब तक आप आगे कन्वे नहीं करेंगे तो लोग इसको फॉलो प्रॉपर नहीं कर सकेंगे। रूल्स आपके पास बुक तो होगी लेकिन जो चीज़ आपको डिलीवर की जाएगी आप वो ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं। Pat
पैकेज आपने देखा। अब दोबारा हम केडीए हॉकी टीम के हवाले से बात करते हैं रियाज साहब से। रियाज साहब क्या कहेंगे टीम के हवाले से? हमने देखा कि जो यूथ हॉकी क्लब पे 10 लड़कों का इंतखाब किया गया और दीगर जो 6 लड़के हैं उस पर भी हम देखते हैं कि जो बर्थ सर्टिफिकेट होते हैं बच्चों के कि उसकी पहचान होती है कि शहर से, तो बहुत से प्लेयर्स के जो है इसमें जो है जो बर्थ सर्टिफिकेट में वो दीगर दूसरे शहरों के हैं। ये भी एक ब्लंडर नज़र आया हमें इस टीम मुंतखब होने पर। नहीं देखें, बुनियादी तौर पे तो मतलब मैं इस बात के हक़ में हूँ जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप एज ए न्यूट्रल पर्सन मुझे पूछें तो जब भी कोई टीम बनती है तो उसके ओपन ट्रायल होने चाहिए, इसलिए कि किसी भी प्लेयर को ये शिकायत ना रहे कि अगर वो आउटस्टैंडिंग प्लेयर है तो उसको अपने जौहर दिखाने के मौके मिलें। और फिर जहाँ तक इस टीम की बात है केडीए की बनने की, तो मैं पहले स्पेल में बात कर रहा था कि हमारी हॉकी जो है अभी इस दौर से गुजर रही है कि मैं ये समझता हूँ कि हमें जैसे इस तरह से इन्होंने डायरेक्ट टीम बनाई, जाहिर है उसमें एसोसिएशन के इन्वॉल्वमेंट थी, तो हमें उनकी नेक नियती पर जो है वो शुबा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है, मैं कहूँगा कि ट्रायल्स के तहत होनी चाहिए, इसलिए कि मुझे भी बहुत से लड़कों के फ़ोन आए जो मतलब एफिलेटेड क्लब हैं उनके, कि हमारा नाम जो है इस टीम में नहीं था या हमें ट्रायल्स का पता नहीं चला, ट्रायल्स हुए नहीं हुए। लेकिन जहाँ तक हम नेशनल क्लब की बात करते हैं तो इसमें तो कोई शक नहीं यूथ है कि यूथ हॉकी क्लब ये वो टीम है जिसकी परफॉर्मेंस जो है जितने भी केचे के टूर्नामेंट्स हुए हैं उसमें आउटस्टैंडिंग रही है, और ये वो टीम है जिस ज़्यादा टूर्नामेंट जीत चुकी है, तो इसमें तो शक नहीं है कि मतलब वो प्लेयर्स आउटस्टैंडिंग थे। लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते, अगर लड़के कोई शिकायत कर रहे हैं तो यकीनन उनकी शिकायत बजाय है कि ये ट्रायल ज़रूर होने चाहिए थे। मैं ये समझता हूँ कि ये तो टीम चलें बन गई, इसलिए कि हॉकी नीचे काफ़ी गिरी हुई एक टीम बन गई, और ये एग्जाम्पल कम से कम एक इदारे ने सेट किया है कि उन्होंने एक टीम बनाई है, और इसको देख के अब दूसरे जो इदारे हैं उनको टीम बनानी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि देखें जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या जो इदारे यहाँ पे इस मुल्क में काम कर रहे हैं वो यहीं से अर्निंग कर रहे हैं, यहीं से पैसे कमा रहे हैं। रियाज साहब, अब से कुछ देर पहले जो है प्रोग्राम से पहले मेरी डायरेक्टर स्पोर्ट्स जो है केडीए अयाज मुंशी साहब से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि 89 डेज के लिए जो है ये टीम ने अभी बनाई है, तो क्या समझते हैं कि 89 डेज के बाद टीम तब्दील हो जाएगी? देखें इससे पहले भी मतलब इस तरह की टीमें बनती रही हैं, और ये एक मतलब साइन अच्छा नहीं है कतई तौर पे कि आप फॉर द टाइम बीइंग किसी टूर्नामेंट के लिए पार्टिसिपेशन के लिए टीम बनाएं और उसके बाद जब वो मकसद पूरा हो जाए और वो जो बड़े लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो एक मतलब नज़र तो देख लें कि हाँ जी इन्होंने टीम बनाई, और जब वो टूर्नामेंट ख़त्म हो जाए तो वो भी अपने कामों में लग जाएंगे, आप जो इधर टीम ख़त्म कर देंगे। तो मैं यही बात कह रहा था कि हमें सेंट्रलाइज मतलब एक पॉलिसी होनी चाहिए। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे सियासी माहौल इतना ख़राब है कि जो भी मतलब हुकूमतें होती हैं उनकी तवज्जो, उनकी कंसंट्रेशन, उनकी फोकस जो है सिर्फ अपनी कुर्सी के गिर्द घूमती है, उसी को बचाने के लिए और उसी को हासिल करने के लिए होती है, और वो दूसरी जो हेल्थी एक्टिविटीज़ हैं उस पर कतई तौर पर वो फोकस नहीं करते। और यही वजह है कि हमारे जो यूथ है वो जो है बेराह रवी का। वैसे तो हमारे यूथ जो हैं उन्होंने दुनिया में बड़ा बड़ा नाम पैदा किया है, और लेकिन मतलब और हमारे मुल्क ने बाद शोबे में बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं जो एक मिसाल है जिसके लिए हमें बड़ी मतलब फख्र होता है, हमें खुशी होती है। लेकिन हमें अपने यूथ को नेगेटिव एक्टिविटीज से बचाने के लिए उनको फ्रेंडली स्पोर्ट्स माहौल फराहम करना चाहिए, और ये जिम्मेदारी जो है ये सेंट्रल की है। इस्लामाबाद में मैं समझता हूँ कि कौमी असम्बली में और बाकायदा एक सेंट्रल सतह पर मतलब इस तरह की पॉलिसीज हों कि हमारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे हैं और जो ग्रास रूट लेवल पर जो मतलब अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं है उनके लिए ऐसा कोई प्रोग्राम होना चाहिए, ऐसा कोई तरीक़ाकार होना चाहिए, और हमारे इदारों का चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो या हमारा मतलब ये कि बैन सूबाई अब तो वजारत पहले जो थी मतलब बाकायदा वजारत खेल हुआ करती थी और इसका वफाकी वजीर हुआ करता था स्पोर्ट्स का। जब से वफाकी वजीर जो है वो ख़त्म हुआ है और बैन सूबाई को दे दी गई है, ये बांट दी गई है सूबों में, उसके बाद से हमारी खेलों की तरक्की जो है वो एक सतह पर आके रुक गई है। सिर्फ क्रिकेट वाहिद खेल है जो कि ज़ाहिर एक प्रोफेशनल खेल है, लेकिन जितने भी आपके दूसरे खेल हैं, आप फुटबॉल को देखें उसमें बुरा हाल है कि वहाँ पर 2-3 फेडरेशन है, हॉकी को ले लें तो हॉकी के सारे आपके सामने। अभी आपने एक बात की थी सेल्फ डिफेंस की खवातीन के हवाले से, तो बदकिस्मती से हमारे मुल्क के कवानीन बाज बहुत अच्छे हैं, बाज इतने खराब हैं कि उसमें मतलब अगर कोई इस तरह की खवातीन के साथ हरकतें होती हैं तो वो हम सिर्फ उसके एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है, उसके पीछे भाग रहे होते हैं, कुछ दिनों तक उसको फॉलो किया जाता है और जो मुलजमान हैं वो कैफे किरदार तक नहीं पहुंचते, वो चीज खत्म हो जाती है। आप दुनिया में देखें कि ऐसे कवानीन यूरोप में चले जाएं, मतलब मिडिल ईस्ट में चले जाएं, उनके मुल्कों के ऐसे कवानीन हैं, अगर कोई इस
طرح سے مس بیہیو کرتا ہے یا خواتین کے ساتھ یا کوئی بھی مطلب اس طرح کی چیز وہاں ہوتی ہے تو وہ نشان عبرت بنا دیتے ہیں. واقعات وہاں بھی ہوتے ہیں لیکن وہ پرسنٹیج نہیں ہوتی جو ہمارے اس ملک میں ہو رہی ہے, اور یہ ہماری بدقسمتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے وہ ذمہ دار لوگ جو مطلب اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے جن کو عزت دی اور اس مقام پہ, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ اپنی یوتھ کے لیے کیا مطلب مثالیں پیش کر رہے ہیں. آپ جو ہیلتھی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو اگر آپ فروغ دینے میں اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ نگیٹو ایکٹیویٹیز کو ختم کریں گے, آپ کا ملک ویسے ہی ترقی کرے گا, آپ کے نوجوان ویسے ہی ترقی کریں گے. لیکن سوری ٹو سے ود آل ڈی ریسپیکٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ, وہ مقتدر حلقے, وہ مطلب لوگ جنہیں یہ کام کرنے چاہیے ان کی ترجیحاتی مختلف ہیں, ان کو اس طرف توجہ دیتی نہیں. جیسے ابھی اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ اتنی اچھے اچھے مطلب یونیورسٹیز ہیں یا مطلب وہاں پہ کھیلوں کے میدان ہیں یا رہے ہیں یا بنائے گئے ہیں, لیکن اس کو مینٹین نہیں کیا جاتا. اگر آپ, میں سمجھتا ہوں آپ کے یہاں 20 آسٹروٹف ہونی چاہیے, لیکن اگر آپ کے پاس 5 آسٹروٹف ہیں یا آپ کے پاس منی اسٹیڈیم بنے ہوئے ہیں, تو آپ کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کریں کہ بجائے اس کے اگر شام کو صرف دو گھنٹے کوئی 40-50 لوگ کر لیں, آپ صبح سے ایک ایسا جو کیجول دیں اس کا ٹائم بنائیں, مختلف کالجز اور یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انگیج کریں, صبح 8 بجے سے لے کے ان کے رات کو 10 بجے تک وہاں پروگرام کریں. تو میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے پاس 20 اپرچونیٹیز نہیں ہیں اور اگر 5 ہیں تو ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بالکل 5 سے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اقبال صاحب کیا کہیں گے, کتنے گیمز پہ جو ہے وہاں پر توجہ دی جاتی ہے جامشوروں کے اندر؟ سر میں میرے اینڈ پہ تو مجھے اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی ہمارے وائس چانسلرز ہوتے ہیں جو بھی گیم ہم کرانا چاہیں وہ ہم کرا سکتے ہیں, تو یہ تو ہے. لیکن یہ کہ اگین لمیٹیشنز ہیں کیونکہ انفراسٹرکچر ہمارا ایسا کوئی خاص نہیں ہے, لیکن فیمیلز کے لیے ہمارا پورا ایک جو ہے جمنیزیم بن رہا ہے جس میں ایون اسکواش کورٹس بھی ہیں, تو آگے چل کے تو بہت ساری چیزیں ہوں گی. لیکن میں آپ کو بتا دوں میڈیکل یونیورسٹیز کے حوالے سے ہماری پارٹیسپیشن سب سے زیادہ ہے لیاقت یونیورسٹی کی, اور آرگنائز کرنا ایونٹ وہ جو ہے ہر سطح پہ, لیکن ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو بھی شیڈیول پروگرام ہے اس میں ہم لوگ جو ہے وہ سب سے زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. لاسٹ ایئر ہم نے ڈاؤ انٹرنیشنل کے اندر ایک اسپورٹس گالا تھا, اس میں بھی ہم اپنے بچے لے کے آئے, تو یہ بھی کریڈٹ ہمارے وائس چانسلر صاحب کو جاتا ہے جو ہمیں پرمیشن دیتے ہیں, کیونکہ ہیک کے علاوہ یونیورسٹیز نہیں پارٹیسپیٹ کرتی, ہم لوگ کرتے ہیں. اور ٹینس فیڈریشن جو سندھ کی ہے انہوں نے ہمیں کہا تو ہم نے ان کو بیچ ٹینس بھی ہمارے پاس ہوئی, تو اس میں بھی کریڈٹ جو ہے وائس چانسلر صاحب کو جاتا. لیکن اب کیا ہے کہ گورنمنٹس کا کام ہے کہ ان کو انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں. دوسری بات جو ابھی ریاض صاحب سے ہو رہی تھی, تو کیا ہے کہ یونیورسٹیز میں پھر بھی بٹس اینڈ پیسز میں گیم ہو رہی ہے. بالکل ایسا ہی. لیکن ایز اے اسپورٹس پرسن آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمیں کس عمر میں بچے کو کیچ کرنا ہے, ٹیلنٹ ہنٹ ہم نے کہاں دیکھنا ہے, وہ دیکھنا ہے ہم نے 10 سال کی عمر, 11 سال کی عمر, 12 سال کی عمر, جس کا ہم فیوچر دیکھ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. کیونکہ اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹیز میں آئیں گے وہ زیادہ تر اپنا ہلا گلا کر کے کھیل ایز اے فن لے کے آئیں گے اور چلے جائیں گے, لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم فیوچر میں جہانگیر خان, جانشیر خان یا صلاح الدین یا حنیف خان ایسے پلیئرز اگر ہم پیدا کریں, تو ہمیں وہ اسکول لیول پہ جو ہے وہ تیاری کرنی پڑے گی. ایسٹروٹرف جتنا سر نے کہا کام سمجھ لیں, گورنمنٹ کا ہے کہ یہاں پر توجہ دی جائے. ہم تو اگر ہاکی کی بات کریں ایک مقام تھا, ایک حکمرانی کرتے دکھائے تھے, اسکواش پہ ہم حکمرانی کرتے, اسنوکر پہ آج ہم دیکھ لیں کہ سب کے سب چیزیں جو ہیں بیک پہ چلی گئی, اب ہم جدوجہد کرتے نظر آتے ہیں. بالکل ایسے ہی چیزیں ہوتی رہ رہی ہیں ہمارے ساتھ. بالکل. تو کیا ہے کہ اب جس طرح ہم 4 اس وقت جو ہے نا اسپورٹس کے لوگ ہیں, تو ہم 4 لیڈرز ہیں. گورنمنٹ کا کام ہے کہ ہم میں سے ہی جو بھی لوگ سنسیئر ہیں ان کو چوز کریں, ان کو وہ کام دیں, اور یہ نہیں کہ ان کو ٹوٹل اتھارٹی دے دیں, آپ ان کو ڈیلیگیٹ کریں اور ان کو کنٹرول کریں, تاکہ آپ دیکھیں کہ کوئی افیکٹو ریزلٹس آئیں, صرف خانہ پوری نہ ہو کہ جو ہے بس بجٹ ملا, 4 میچ کرائے, ختم کر دیا, واہ واہ ہو گئی. یہ نہیں, یہ چیز آپ جس طرح سر نے کہا کہ آگے کے لیے سوچیں, ویژن ہونا چاہیے کہ ہم ابھی کہاں ہیں اس گیم میں اور ہم کہاں اپنی گیم کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو یہ چیزیں ہم نے کرنی پڑی. چھوٹی سی چیز دیکھ لیں نا, ہم نے ایک غلطی کی ہاکی کے اندر, آج ہم وہ کوالیفائر راؤنڈ جو ہے ورلڈ کپ کا کھیلتے ورلڈ کپ کے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب 2027 میں جا کر اب ہم اس کے لیے بھی کوالیفائی کریں گے تو ہم کھیلیں گے. Exactly. تو ایک تو فرق آ گیا ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے. بالکل. اسکواش میں اور اس میں ہاکی میں ہوا یہ ہے کہ وہ جو ہم ایک کہانی پڑھتے تھے خرگوش اور کیچو علی, تو خرگوش جو ہے وہ خوش ہو کے سو گیا
और वो कछुआ आगे निकल गया, तो दूसरी कौमें जो है वो आगे निकल गई। स्क्वैश में जो है इजिप्ट बहुत ऊपर जा रहा है, और दूसरी ये कि दूसरी यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, फिर हॉकी में आप देख लें कौन कौन से मुल्क आ गए जिनका आपने नाम भी नहीं सुना था, वो भी आ गया आ गया। तो ये हमें इस चीज को रिवाइव करना पड़ेगा, पॉलिसीज पे नजरसानी करनी पड़ेगी, पॉलिसीज की एनालिसिस होगी, और बॉटम अप होनी चाहिए, टॉप डाउन नहीं होने चाहिए। वो हजरात ड्राइंग रूम में बैठ के एक पॉलिसी बना देते हैं और भेज देते हैं। हमें कोशिश करें, आपसे पूछें, सभा से पूछें, रियाज साहब से पूछें, तो फिर हम उनको कुछ बताएं कि भाई क्या करना। पॉलिसी के हवाले से सभा से भी बात करते हैं। सभा है, क्या समझती हो कि गवर्नमेंट को जो है खासकर जो स्पोर्ट्स से करते रहते लोग हैं उनसे जब वो पॉलिसी मरतब करे तो उस वक्त काम उनसे लेना चाहिए? सर बिल्कुल, स्पोर्ट्स पर्सन से काम लेना चाहिए। जैसे कि पॉलिसीज की बात हो रही थी तो उनको सिर्फ पॉलिसीज बना के वो छोड़ देना वो काम सिर्फ नहीं होता, उन पे अकाउंटेबिलिटी भी लाजमी होती है। उस चीज़ की आपको देखना होता है, आपने जिस जिस इदारों में स्पोर्ट्स का दिया हुआ है क्या वो उस पे वाकई में काम कर रहे हैं या सिर्फ वही खाना पूरी वाली बात हो रही है। और उसके अलावा अभी हैदराबाद में हर महीने, हर दो तीन महीने में सर से भी इस बात पर डिस्कस करती रहती हूँ, जब भी हम बैठते हैं अपनी कन्वर्सेशन के साथ, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स की तरफ से उनको एक प्रोग्राम करने को दिया जाता है, और वो सिर्फ इंडस हॉल, इंडस होटल के हॉल में एक में वो आप स्पोर्ट्स का इवेंट कर, स्पोर्ट्स पे आप करवा रहे हो, और एक हॉल के अंदर चंद स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनको आप स्पीच बता रहे हो, ये स्पोर्ट्स का नहीं हो सकता। ये आप अपनी कचहरियाँ कर सकते हो, अपनी बातें कर सकते हो। स्पोर्ट्स से बात करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, जिस तरह आप जिक्र कर रही थी हर चीज का प्रोग्राम में हमारे पास टाइम कम है। सभा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इकबाल मेमन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्तितम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।